प्रोटेस्ट काडिल्लो आसा की हो आवाज इतले दीस जाले गोंयभर चालू आसा मडगांवां स्टार्ट जालो
पणजे लोकांनी आवाज काढलो, तसंच वास्को सुद्धा एक प्रोटेस्ट आसा आणि हा प्रोटेस्ट चालूच आसा. कित्याक म्हणजे लोकांक हो कायदो नका. हो कायदो जो आसा हो देशाचो विरुद्ध कायदो आसा, हो संविधानाचो विरुद्ध कायदो केल्लो आसा. हे सगळ्यांनी समजून घेऊक जाय की आमचं संविधान खंयच धर्म निरपेक्षता करिना, पण हो जो आसा एंटी नॅशनल कायदो आसा, एंटी संविधानिक कायदो आसा आणि हे रिलिजियस एक पर्टिक्युलर मायनॉरिटीक एका भायर दरून हो कायदो काढिल्लो आसा, त्यांना टार्गेट करपा खातीर हो कायदो काढिल्लो आसा. आम्ही हिंदुस्थानी म्हणजे आम्ही भारताचे वासी म्हणजे आमकां संविधान राखपाक जाय आणि प्रत्येक नागरिकाची कर्तव्य की संविधान आम्ही राखपाचे. असे समज कायदे काढपाक लागले जे संविधानाचे विरुद्ध आसा, आमकां लोकांक असे रस्त्यार वचचेच पडटले आणि आवाज आमचो काढचोच पडटलो आणि सरकारांक दाखोवचो पडटलो की तुम्ही ह्या भारतांत तुम्ही लोकांक वाटी करू शकना. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सीख सगळे वांगडा आम्ही रावल्यात आणि वांगडाच रावतले आम्ही. आणि हे सुद्धा आम्ही सरकारला सांगू सोदता की तुम्ही जे टार्गेट करतात आयज एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी की तुम्ही सीएए हाडून मागीर म्हणटा तुम्ही एनआरसी हाडटले. एक प्रधानमंत्री म्हणटा की आम्ही सांगूकच ना एनआरसी हाडटले आणि आमचो होम मिनिस्टर म्हणटा की आम्ही हाडटले. म्हणजे तुम्ही तुमकांच खबर ना तुम्ही किती हाडटले ते. तुम्ही देशाक एक कन्फ्युजन स्टेटान हाडून दवरिल्लो आसा. तुम्ही देशाची वाटी लावं नका. देशान आमकां उदरगत जाय, लोकांक काम जाय, जॉब जाय, ताजे बद्दल विचार करा आणि असले कायदे हाडून देशाची वाट लावं नका. आज आम्ही हांगा फोंड्यान एक आमकां अशें जावपा नासलें तें आमकां आज मोर्चा काडचो पडलो. आमकां ही लज दिसता आज आमकां इतले असले आमकां सरकारान करून दवरले आसा की आमकां बायलां घरांच्या रस्त्यार येवचें पडलें. हे सरकारान अक्कल येवपाक जाय. हे सरकारान जें करून दवरलेलें आसा तें आतां बंद करपाक जाय, तेंचे रिवोक करपाक जाय. जी पळय सीए पास केल्ले आसा ती रिवोक केल्ल्या बगर अख्ख्या देशांत लोक घरांत वचपा ना. आतां रेगुलर करतले, अशें रेगुलर रस्त्यार येतले. हे आमकां सामकें एकदम हें सांगचें आसा, सरकाराक मॅसेज दिवपाचें आसा. बेगिनले बेगीन ती आतां पळय तेमी एक्ट लायिल्ली आसा ती एक्ट रिवोक करचे. इतलेंच सांगून म्हाका एकच सांगचें आसा, देवा कडेन मागचें आसा. आज आमचो फ्रायडेचो दीस आसा. हांव देवा कडेन मागतां की ह्या सरकाराक देवा तूं अक्कल दी. ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी एससी एसटी ओबीसी सारे तबके के लोगों को लेकर के संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है. और आज जो यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है ये भीड़ किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों की भीड़ है. और यहां पर जो लोग मजहब के नाम पर, इलाके के नाम पर, तहजीब रंग के नाम पर और ज़बान के नाम पर तकसीम करने वाले लोग हैं, वो गवर्नमेंट में हो, सियासी पार्टी में हो, किसी तंजीम में हो या किसी भी संगठन से वो जुड़ा हुआ हो, वो इस कौम का लीडर नहीं है. इस कौम का लीडर वही है जो संविधान को लेकर के चलता है. इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ संविधान को बचाना है. इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस वालों का जुल्म चल रहा है, खासतौर से यूपी के अंदर घरों में घुसकर दो दो बजे रातों को जाकर के औरतों को बच्चों को दहशत पैदा कर रहे हैं, उन्हें घरों से निकाल रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि तुम बिल को सपोर्ट करो नहीं तो हम तुमको उठा के जेल में डाल देंगे. हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं. हमने अंग्रेजों से हिंदुस्तान को और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में सबने जितनी कुर्बानी दी है उससे दुगुनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. हम कभी भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने नहीं देंगे. और मोदी सरकार ये सोच ले और ये याद रखे कि जो हुकूमत ये कहती थी कि हमारे हुकूमत में सूरज ग्रुप नहीं होता है, उनको जब ये हिंदुस्तानी मार मार के खदेड़ खदेड़ कर भगा सकते हैं, तो ये चंद लोग और ये चंद फीसद लोग जो आज गुंडागर्दी कर रहे हैं और हुकूमत के और इस मुल्क के पैसे को नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग अपनी खुशगुमानी को खत्म करें. जिस दिन ये लोग रोड पे आएंगे इनको भागने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी. दूसरी बात, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम का इशू चल रहा है, ये सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, या एनआरसी है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप है, या एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, ये सब का एक ही मुद्दा है. इन तीनों का एक ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को या दलित कम्युनिटी को या जो पिछड़े तबकात के लोग हैं इन लोगों से शहरियत छीन लिया जाए और शहरियत छीनने के बाद इनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए, फिर इनसे गुलामी कराई जाए. उनसे ये कहा जाएगा या तो तुम गुलामी करो या फिर उसी कैंप के अंदर तुम मर जाओ. हम इस पोजिशन को कभी भी
काबिले कबूल होने नहीं देंगे और कामयाब नहीं होने देंगे। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये ईसाई और सिख का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान के संविधान के तहफ्फुज का मसला है। हमारे लिए कोई ताकत नहीं है, हमारे पास एक ही ताकत है, वो पूरे हिंदुस्तानियों की ताकत है, वो है हमारा संविधान। हम संविधान को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क के सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब तक मोदी सरकार और आरएसएस को हम वहां से नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा एक ही डिमांड है, ये बिल जिस तरह तुमने नाफिज किया है, उसी तरीके से पुराने तरीके से तुम इसको वापस ले लो, नहीं तो जब ये आवाम रोड पे आएगी और सब लोग एक साथ मिलकर के आवाज उठाएगी तो तुमको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और एक बात मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, और मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, और मैं हुक्मरान लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये मसला आज मुसलमानों का बना करके दिखाया जा रहा है जो मुसलमानों का नहीं है। कल इन मीडिया वालों को पकड़ पकड़ कर मारा जाएगा, कल इन पुलिस वालों को रोडों पे दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा जाएगा, आज यूपी के अंदर मारा जा रहा है। ये बजरंग दल के लोग पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्या उन पुलिस वालों को होश नहीं है? वो संविधान को छोड़कर आज टकों और हुक्मरानों के दबदबे में आकर दाब में आकर के लोगों के ऊपर और आवाम के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्या यहाँ के हुक्मरानों को ये होश नहीं है कि यहाँ का संविधान इस मुल्क को चलाता है? यहाँ पर कोई नजरिया, कोई आइडियोलॉजी काम नहीं करता, इसलिए हिंदुस्तान के संविधान के नजरिए को आप लोग मानिए, नहीं तो आज नहीं तो कल आपकी बारी आने वाली है। अपने बारी के आने से पहले पहले सब मिल करके इन तीनों एक्ट को, CAA को, NRC को और NPR को आप खत्म कराना है। इसके लिए आप लोग आवाज उठाना है, आप लोग इस मुल्क के एक पिलर हैं। इंतजामिया, मीडिया, मुकन्निना, अदलिया और हुक्मरान, ये चारों लोग जब तक मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और ये मसला कोई सियासी मसला नहीं है, किसी पार्टी का मसला नहीं है, किसी तंजीम का मसला नहीं है, किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान का मसला है, आपके नस्लों के फ्यूचर का मसला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें आने वाले वक्त में आज़ादी के साथ जिए, गुलाम न बने, रोड पर कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी न गुजारे, तो आज आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो ये हालात बदल सकते हैं। अल्लाह।